तो भैया आज हम ट्रुथ के बारे में बात करेंगे। मोटोरोला ने अपना मोटो एज प्लस लॉन्च कर दिया है 75,000 का। काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स को मिला भी नहीं है, रिव्यू यूनिट भी नहीं भेजी। अब भैया जिनको रिव्यू यूनिट नहीं मिलती उनका क्या हाल होता है, समझ ही गए होगे। तो वही आपको कुछ बता देता हूँ मैं भी, मेरे क्या ओपिनियन है उसके बारे में। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो यार लाइक कर देना, बाकी तुम्हारी किसी बड़ी यूट्यूबर को हर्ट हो तो छोड़ देना यार, मत करना लाइक। डिसलाइक भी दबा देना, वो भी एंगेजमेंट देके जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस आती रहेगी। अब बात करते हैं जो वीडियो के अंदर, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मोटो एज प्लस लॉन्च हो गया 75,000 के अंदर। तो शाओमी वाले यूज़र कह रहे हैं मी 10 का क्या होगा, तो मी 10 तो 50,000 में मिल रहा है, वो 75,000 में मिल रहा है। अब कुछ यूट्यूबर ट्वीट कर करके ट्रोल करने की सोच रहे हैं मोटोरोला को, क्योंकि भैया रिव्यू यूनिट नहीं भेजी। इतने बड़े यूट्यूबर 20 मिलियन होने वाले हैं फिर भी ये सोच रहे हैं। अरे भैया आपको रिव्यू यूनिट नहीं मिली तो आप क्या कंपनी को ट्रोल करना शुरू कर दोगे? चलो मान लिया वो स्मार्टफोन अच्छा नहीं है, मान लिया आप मी की तारीफ़ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको रिव्यू यूनिट नहीं भेजी तो आप उसके लिए ऐसे ट्वीट कर दोगे, ये कर दोगे, क्या क्या चाहते हो? कुछ नहीं। और भी बहुत सारी ब्रांड्स है इंडिया के अंदर जो भी ऐसे ही काम कर रही है, तो उनको भी जाके ट्रोल करो। उनके फ़ोन तो तुम अनबॉक्स भी नहीं करते, उनके फ़ोन भी अनबॉक्स कर दिया करो। टेक्नो रही, ये छोटी छोटी इन्फिनिक्स रही, ये ब्रांड्स भी है ना, इनके 20 मिलियन के चैनल पे रिव्यू करके देखो ना, इनको अनबॉक्स करो। क्यों वो 70-80 हज़ार के रिव्यू कर रहे हो, क्यों उस फ़ोन को मंगा रहे हो, इनको भी रिव्यू करो। इसके इस मामले के अंदर गिगी रंजीत सर इतने बेस्ट हैं, वो अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे के जाते हैं हर वीडियो के अंदर, चाहे कंपनी पैसे दे चाहे ना दे, लेकिन उनका ऑनेस्ट रिव्यू आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर हूँ मैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ बस आप अपना रिव्यू देना चाहते हो तो दो, लेकिन आप उस स्मार्टफोन के बारे में ऐसे ट्वीट करके ये दिखाना चाहते हो कि मैंने परचेज़ कर लिया, तो हमें पता है आप परचेज़ कर सकते हो, आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं, अगर आप 1-1 रुपया डोनेशन भी लो तो भी आप उसको परचेज़ कर लो। तो ये मुझे बताना था कि आप उस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हो, सोचते तो क्या हो जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोचते होगे। बस करते हैं इस किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।